प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गणित की पाठशाला में। आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 11, जिसका नाम है बीजगणित, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अभी तक अंकगणित और ज्यामिति के बारे में परिचित हो चुके हों। अंकगणित में हमने संख्याओं और उन पे विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का अध्ययन किया, और ज्यामिति में हमने जो द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियां हैं उनका अध्ययन किया। जैसे हमने द्विआयामी आकृतियों के बारे में बात करें तो आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त के बारे में अध्ययन किया, और त्रिआयामी आकृतियों की बात करें तो शंकु, गोला, बेलन, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ठीक इसी तरह से गणित की एक और महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम है बीजगणित। तो अब हम इस चैप्टर में बीजगणित के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसकी अच्छी तरह से समझ के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे माचिस की तीलियों से एक प्रारूप बनाने की, एक प्रतिरूप बनाने की कोशिश करते हैं। हम माचिस की तीलियों की सहायता से इंग्लिश का एल बनाते हैं। माचिस हम सबके घर पे होती है, तो हमने क्या किया, इंग्लिश का एल बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक एल बनाने के लिए दो तीलियों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे हमने एक एल बनाने के लिए दो तीलियाँ प्रयोग में ली। ठीक इसी तरह से अगर इस तरह के दो एल अगर हमें बनाने हैं तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4। तो जब हमने एक एल बनाया तो 2 तीलियाँ, 2 एल बनाया तो 4 तीलियाँ, और 3 एल बनाएंगे तो 6 तीलियाँ, और ठीक इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि जब हमें एक एल बनाना था, तो 2 तीलियों की आवश्यकता हुई। जब हमें 2 एल बनाने थे तो 4 तीलियों की आवश्यकता हुई। जब हमें 3 एल बनाने थे तो 6 तीलियों की। जब हमें 4 एल बनाने थे तो 8 तीलियों की। 5 एल बनाने थे तो 10 तीलियों की। 6 एल बनाने हैं तो 12 तीलियों की। 7 एल बनाने हैं तो 14 तीलियों की। 8 एल बनाने हैं तो 16 तीलियों की। ठीक इसी तरह से अगर हमें 15 एल बनाने हों तो हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 30 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक इसी तरह से अगर हमें 20 एल बनाने हों तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 40 तीलियों की। तो यहाँ से इस पैटर्न को समझने के बाद, जब हम इस पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ से हमें एक नियम मिल गया। क्या नियम मिल गया, कि जितने एल हमें बनाने हैं, उसके लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी उसको 2 से गुना करने पे। जैसे 4 एल बनाने हैं तो 2 से गुना करके 8 आ जाएगा, तो 8 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो यानी कि यहाँ से तीलियों की आवश्यक संख्या क्या होगी, आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी, 2 गुना में जितने एल बनाने हैं, यानी कि एल की संख्या। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पैटर्न को समझ के, इस सारणी की सहायता से इस पैटर्न को समझ के हमने एक नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया, कि आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी उसके लिए एल बनाने के लिए, कि एल बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी, कि जितने एल बनाने हैं उसको 2 से गुना कर दो, हमें तीलियों की संख्या का पता चल जाएगा। मान लो हमें 25 एल बनाने हैं तो 25 को 2 से गुना कर दो, यानी कि हमें 50 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो हमने एक नियम बना लिया कि 2 से गुना कर देंगे भाई जितने एल बनाने हैं उसको, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, तीलियों की संख्या आ जाएंगी। तो ये हमने नियम बना लिया। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, जो हमने पैटर्न था उसको पहले समझा और फिर एक नियम बना लिया। तो इस तरह से हम जब नियम का निर्माण करते हैं, यही बीजगणित है। तो बीजगणित में हम नियमों का निर्माण करते हैं, पहेलियों का निर्माण करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि जब ये हमने आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए एक नियम बनाया, क्या, 2 गुना में एल, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटे रूप में लिखते हैं। तो जब इसको हम थोड़ा सा और छोटे रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ एल की संख्या, मतलब जितने एल बनाए हैं, उनकी संख्या के लिए हम एन लिख लेते हैं।
क्योंकि कभी हम एक एल बना रहे हैं, कभी दो एल बना रहे हैं, कभी तीन, कभी चार, कभी दस, कभी बीस, जितने एल बना रहे हैं उसके लिए हमने क्या अक्षर का यूज कर लिया, बीजगणित। बच्चों बीजगणित यही है, हम यहाँ पे संख्याओं के स्थान पर अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एन अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं। एन एक प्राकृत संख्या है, तो एन का मान एक, दो, तीन, चार, पाँच कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आवश्यक तीलियों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो आवश्यक तीलियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि एल की संख्या के स्थान पे हमने एन लिख दिया, तो ये हो जाएगी दो गुना में एन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा दो गुना में एन। तो हम ये ही इसमें हमने जो एल की संख्या है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब यहाँ पे n का जो मान है हमारा वो बदलता रहेगा, n है जो हमारा इसका जो मान है वो बदलता रहेगा। कभी n की जगह पे हम एक रखेंगे, कभी दो रखेंगे। मान लो हमें पाँच l बनाने हैं तो n की जगह पे पाँच रख देंगे। मान लो हमें दस l बनाने हैं तो हम n की जगह पे दस रख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब ये चर क्या होता है, चर की अवधारणा क्या है, बीजगणित में बस सारा जो काम है वो चर के आसपास ही घूमता है। तो प्यारे बच्चों जब हमने आवश्यक तीलियों के लिए एक पैटर्न बनाया, एक नियम बना लिया, पैटर्न से नियम बना लिया कि आवश्यक तीलियों की जो संख्या है वो दो गुना में एन है, तो यहाँ पे जो एन है इसकी जगह पे जैसे जैसे हम मान बदलते रहेंगे तो हमें तीलियों की संख्या का पता चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एन है इसको हम क्या कहते हैं, चर। इसी को हम चर कहते हैं, यानी कि चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है। तो बीजगणित में चरों का विशेष महत्व है। अरे बच्चों हमारे पास जो ये नियम है इसमें एन तो है चर और दो है अचर। तो चर कौन से होते हैं, जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान फिक्स नहीं रहता है, इनको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, वेरी प्लस एबल, वेरी का मतलब जो बदलता रहता है। और एचर क्या होते हैं, जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये जो हमारी संख्याएं हैं ये क्या है, सारी की सारी एचर है। तो जब इनको इनके स्थान पर हम अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं तो वो है हमारे पास चर। तो प्यारे बच्चों आपने जब ये नियम बनाया है तो कोई जरूरी नहीं था कि इसमें आप n ही लिखें, आप इसकी जगह m लिख सकते थे तो ये दो गुना में m हो जाता, आप इसकी जगह पे l लिख सकते थे तो ये दो गुना में l हो जाता। तो यहाँ पे m हमारे पास क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से l हमारे पास चर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब कंक्लूड करते हैं कि एक चर को दर्शाने के लिए चर क्या होते हैं, वो राशियां जिनका मान बदलता रहता है उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिनका मान नहीं बदलता वो क्या होते हैं, अचर, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। तो चर राशियों को दर्शाने के लिए हम कौन से अक्षरों का आमतौर पर प्रयोग करते हैं, एम, एल, पी, एक्स, वाई, जेड, एन, जैसे हमने प्रयोग किया था एन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एम, एल, पी, एक्स, वाई, जेड इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। जैसे संख्या पाँच, इसका मान तो स्थिर है तो ये क्या हो जाएगी, एक एचर। इसी तरह से संख्या सौ, ये भी क्या हो जाएगी, एचर, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है। और त्रिभुज के कोणों की संख्या, हमें पता है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं तो इसका तो मान कोई सी भी त्रिभुज ले लें ये तो मान बदल नहीं सकता, तो ये भी हमारे पास क्या है, चर नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, एचर होगा। चतुर्भुज के कोणों की संख्या, चतुर्भुज के चार कोण होते हैं तो ये भी हमारे पास चर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, एचर होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं तो उसमें जो अक्षर है, जो इंग्लिश का अक्षर है एक्स वाई जेड, एम एल एन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चर को रिप्रेजेंट करता है जो कि
अलग अलग मान ले सकता है, कि जिसका जो मान है वो बदलते रहते हैं, उसकी जगह एक दो तीन चार मान रखने से अलग अलग मान हमें प्राप्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे माचिस की तीलियों से आपको एक प्रतिरूप बनाना है सी। तो सी बनाने के लिए आपको, एक सी बनाने के लिए आपको तीन माचिस की तीलियों की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न है इसको समझना है, इसकी सारणी बनानी है, और फिर इससे आपको नियम का निर्माण करना है, और नियम का निर्माण करके प्यारे बच्चों फिर आपको बताना है कि इसमें चर राशि कौन सी है और अचर राशि कौन सी है, साथ ही कि आप इसको चर के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, आप कोई भी तीन तरीके से इसको लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक पूरा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।